हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखो वो थोड़ा घबराया हुआ है, शायद इसलिए कि हमने इतनी जल्दी उसे पकड़ लिया। वो एक बात बार बार दोहरा रहा है कि शैंपेन में जहर उसने नहीं मिलाया। देवर मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसे बचाने की कोशिश मत करो अजय। उस आदमी ने तुम्हारे कोच की हत्या की है, वो एक हत्यारा है और तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था। मुझे बताओ क्यों। देव कभी बहुत अच्छा एथलीट हुआ करता था, वो मुझसे भी तेज भागता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज से ठीक 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी चल बसी। उसके बाद देव बिल्कुल बदल सा गया। उसने सिगरेट शराब सब कुछ पीना शुरू किया, पर उसमें एक ही अच्छी आदत थी, गार्डनिंग की। उसकी बुरी आदतें छूट जाए, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, अगर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब मैं कैप्टन बना तो उसने सोचा कि मैं उसे टीम से निकलवा दूंगा, इसीलिए मैं जब उसे पार्टी के लिए बुलाने गया तो वो मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आया। बाद में वो मेरे घर पर आया और उसने अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी भी मांगी और ये भी कहा कि वो मेरी पार्टी में आएगा, और वो आया भी। उसने मेरी बहुत मदद की। बार तो उसी ने संभाली ना वीरेन। संभाली, मैं जानता हूं उसकी वजह। लेकिन वीरेन, हमारे बीच एक छोटी सी तकरार हुई थी, कोई इतनी छोटी सी बात के लिए किसी की हत्या कर देता है क्या? हो सकता है। अच्छा, तुमने बताया कि वो गार्डन में काम कर रहा था। मैं तो यही कहूंगा कि गार्डनिंग उसकी जिंदगी थी। सर, ये देखो क्या मिला। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की। गुड है, इसे फॉरेंसिक लैब ले जाओ। यस सर। कुछ पता चला डॉक्टर वर्मा? देखिए, कीड़े मारने वाली दवा में कई किस्म के केमिकल्स होते हैं, ज्यादातर जहरीले, आर्सेनिक भी उनमें से एक। और शैंपेन में मिलाया गया जहर भी आर्सेनिक ही था, राइट? अब सवाल यह उठता है कि क्या शैंपेन में भी वही आर्सेनिक मिलाया गया था जो कि कीड़े मारने वाली दवा में था। मैं फिलहाल यही टेस्ट कर रहा हूं। देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में कीड़े मारने वाली दवा है और इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में शैंपेन। मैं इस
इस कीड़े मारने वाली दवा में मिले खास किस्म के केमिकल की जांच कर रहा हूं जो आमतौर पर इस पे नहीं होता, और ये केमिकल है डाइएथाइल नाइट्रोफिनाइल थायोसल्फेट और टेट्राएथाइल पाइरोफॉस्फेट। और अगर वही केमिकल इस शैंपेन में भी मिल गया तो इसका मतलब यही है ना कि शैंपेन में जो जहर मिलाया है वो इसी पैकेट का था। अब मैं इस कीड़े मारने वाली दवा में एक खास केमिकल मिक्स कर रहा हूं, और वही केमिकल मैं इस शैंपेन वाली टेस्ट ट्यूब में मिक्स करूंगा। अगर इन दोनों का कलर मिल गया तो समझिए कि सैंपल मैच कर रहे हैं, जहर यहीं से आया। हाँ, ये जहर इस कीड़े मारने वाली दवा में से ही आया। सारे सबूत यही कहते हैं कि खूनी तुम ही हो, क्योंकि अजय की वजह से शायद तुम्हारा करियर बर्बाद होने जा रहा था, अजय और उस कोच की वजह से। नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है। कोई तो है जो मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे दिखाना चाह रहा है। जो कीड़े मारने वाली दवाई में होता है, डाइएथाइल नाइट्रोफिनाइल थायोसल्फेट और टेट्राएथाइल पाइरोफॉस्फेट, और तुम्हें वो बोतल अजय को दी जबकि वहां पर दूसरी बोतलें थी। मेरे लिए तो तुम ही खूनी हो। रिलैक्स, देखो तुमने तुम्हारा काम कर दिया, यू हैव गॉट योर मैन। अजय, एक या दो हफ्ते के अंदर ही तुम्हें इस व्हीलचेयर के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और देखना तुम खुद फिर अपने पैरों पर चल फिर सकोगे। और फिर देखना अजय, एक महीने के अंदर ही फिर से तुम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। इरेन, कैप्टेंसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक रेस जीतने के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और हम अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते हैं। इन सब सुख दुख का नाम ही जिंदगी है बॉस। अजय, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे की सोचो। अरे, तुम्हारे कुछ लेटर्स आए, देखोगे? नहीं, जरूरी नहीं होंगे। कुछ बिल्स हैं, ये एथलेटिक एसोसिएशन से कुछ लेटर है, अरे फैन मेल भी है, और नेशनल लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए लेटर है। कहते हैं कि कुछ किताबें तुम्हारे पास हैं जो तुमने वापस नहीं की हैं, और तारीख निकल चुकी है। तुम अगर चाहो तो मैं दे दूं वापस। नहीं वीरेन, मैं बाद में लौटा दूंगा। वीरेन, इफ यू डोंट माइंड, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, और कल सुबह जल्दी कोच के चौथे पे भी जाना है। ये एक महान इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इनका एक सपना था कि हमारी एथलेटिक टीम दुनिया की सबसे अच्छी टीम बने, दुनिया के नक्शे में हमारे देश का नाम चमके। मगर आज यह हस्ती हम लोगों के बीच नहीं, मगर उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके सपने को सच्चा बनाने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। दोस्तों, अगर मुझे पता चल जाए कि किस शख्स ने इन्हें जहर दिया है, तो यही जहर उसके गले में उंडेल दूं, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, अपने हाथों से फांसी का फंदा बनाकर उसके गले में डालकर छत से लटका दूं। आखिर कौन हो सकता है वो शख्स जो उनका दुश्मन है? उन्हें इस लायक बनाया कि वो विश्व स्तर पर खेल सके। ये बात एक बात है। जी, ये जो बोतलें यहाँ रखी हुई शैंपेन की, किसने रखी है यहाँ? कौन पीता है ये शराब? वैसे तो साहब कभी कभार ही पीते थे, लेकिन जब भी पीते थे
यही वाली पीते थे, उन्हें हमेशा ये वाली शैंपियन ही पसंद थी। और कौन जानता है ये बात? जो साहब को जानते हैं सभी को मालूम है। शुक्रिया। वो हमारे बीच नहीं मगर हकीकत से मुंह तो नहीं खोला जा सकता। क्या हुआ बेटे? हम सबके लिए वहां कैबिनेट पर शैंपेन की दो बोतलें रखी हुई हैं, स्पेंसर्स की, और कोच स्पेंसर्स की शैंपेन ही पीता था। तो क्या हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो? अजय, अब तक मैं यही समझ रहा था कि किसी ने तुम्हारा कत्ल करने की कोशिश की है और कोच बेचारा बिना बात के मारा गया, मगर अब मैं ये समझ गया हूँ कि कोच ही असली शिकार था, तुम नहीं। मगर कोच की कोई क्यों हत्या करना चाहेगा? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा मुझे बताइए, क्या कोच को किसी से कोई प्रॉब्लम थी? किसी खिलाड़ी से जिसे वो टीम से बाहर निकालना चाहते हो, या फिर किसी से कोई बहस हुई हो? किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर, वो तो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा उनकी जान पहचान कितने लोगों के साथ थी? मेरा मतलब है जो लोग उनके घर गए हो या फिर जिन्होंने उनके साथ बैठकर पी हो। ज्वाइन करने के बाद सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया था और एक एक करके उनसे पूछा था कि वो उनसे क्या चाहते हैं, सभी तो उनके घर पर गए थे। अच्छा मतलब करीब करीब सभी लोग जानते थे कि वो क्या पीते थे। अच्छा श्रेष्ठा जी एक बात बताइए, क्या कोच किसी बात को लेकर परेशान थे? लेकर वो परेशान तो थे कि कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस लगातार एक जैसी नहीं थी। शायद इस बारे में कोच ने कोई पूछताछ की हो? जी नहीं, बल्कि कोच ने इस बात का फैसला किया था कि इस बार खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराएंगे। कहीं कोई खिलाड़ी ड्रग्स तो नहीं ले रहा है? स्टेरॉइड्स? आप तो जानते हैं मिस्टर ब्रेन कि कुछ दवाइयां लेने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज, लेकिन दवाइयां लेना मना है, स्टेरॉइड्स लेना मना है। ओहो, और कोच टीम की जांच करके ये पता लगाना चाहता था कि उनमें से कोई इन दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? जी हाँ, अब आप मनीष को ही ले लीजिए ना, पिछले महीने इतना खराब दौड़ता था, इतना खराब दौड़ता था कि पूछो मत, और अचानक चैंपियन की तरह दौड़ने लगा। ये भी हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, या फिर स्टेरॉइड्स ले रहा हो। सब बातों को मालूम करने के लिए कोच इन खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप कराने वाले थे। एक और बात, अगर यह साबित होता है कि कोई दवाई ले रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसे गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे एथलीट को सारी जिंदगी के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है, यानी जिंदगी बर्बाद। मिस्टर श्रेष्ठ, मुझे इन सभी खिलाड़ियों की पिछले एक साल की रिपोर्ट दीजिए। इस बेवकूफी का आखिर मतलब क्या है? हमारे खून की जांच क्यों की जा रही है? ये देखने के लिए कि आप इसे कोई या कोई ताकत बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और अगर ड्रग्स का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो शायद उसी ने कोच की हत्या की है और अजय को भी जान से मारने की कोशिश की है। बकवास है ये सब, इसका कोच की हत्या से क्या ताल्लुक है? कोच आप लोगों का मेडिकल चेकअप करने ही वाला था, उसे हकीकत का पता चल जाता इसलिए उसका कत्ल कर दिया गया। अब इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि आखिर खूनी है कौन। जस्ट टू बी श्योर, मैं ब्लड और यूरिन टेस्ट दोनों ही कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आज शाम तक मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगी। सर। यस। कंप्लीट रिपोर्ट। सब खिलाड़ियों की खून की जांच तो नेगेटिव है, इसका मतलब इन खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी नशीली दवाई नहीं ले रहा है। ये अजीब बात है, इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो सच नहीं है। दया, जरा वो वाली फाइल देना जो टीम के मैनेजर ने भी दिया एथलेटिक्स के रिपोर्ट के बारे में। सर।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने पहले ही क्यों नहीं देखा? अभी भी बहुत कमजोरी है। क्या बात है विरेन, तो कुछ परेशान सा लग रहा है। अजय, कोच का खून देव ने नहीं किया। क्या? मैंने तुझे ठीक ही कहा था ना? हाँ, और मैंने भी ठीक ही कहा था। खूनी तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था, उसे बल्कि कोच को खत्म करना था। भला कोई कोच की हत्या क्यों करेगा? क्योंकि कोच सभी खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप करवाना चाहता था। उसे यह पता लगाना था कि कोई ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई दवाइयां तो नहीं ले रहा, और इसीलिए उसका खून कर दिया गया। और आज मैंने उन सभी खिलाड़ियों के मेडिकल जांच करवाई है। तो क्या पता चला? उनमें से कोई स्टेरॉइड लेता है? ये रही उनकी रिपोर्ट, खुद ही देख लो। कातिल कौन है इतना पता चल जाएगा। मगर वीरेन, इनमें से तो अभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इससे कैसे पता चलेगा कि खूनी कौन है? ये तो मेडिकल रिपोर्ट है वीरेन। हाँ, ये एक मेडिकल रिपोर्ट है, और इस लिस्ट में खूनी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि खूनी का टेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। उस पर आर्सेनिक के जहर का असर है और उसका इलाज चल रहा है। कुछ समझ में आया? मतलब तुम कहना चाहते हो कि हाँ, तुम खून तुम्ही ने किया है। ये क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं, हकीकत है। जो आदमी टीम से बाहर निकाला जाने वाला था, बच्चा में टीम का कैप्टन बन गया। तुम पिछले 2 महीने में अचानक तेज भागने लग गए। कैसे? क्योंकि तुम स्टेरॉइड लेने लग गए थे। यार, मेरी जान लेने की कोशिश की गई, मुझे जहर दिया गया, और तुम होके मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, तुम्हें किसी ने जहर नहीं दिया था। वो जहर तुमने खुद लिया था, मगर बहुत थोड़ा, जिससे तुम मरे नहीं, सिर्फ थोड़े से बीमार पड़ गए। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन मैंने वो लाइब्रेरी का लेटर देखा। जिस आदमी को कभी जिंदगी में पढ़ने का शौक ही नहीं था, उस आदमी के घर में इतनी सारी लाइब्रेरी की किताबें। तुम किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी पर, जहर विज्ञान, क्योंकि तुम ये पता लगाना चाहते थे कि एक इंसान कितना आर्सेनिक ले सकता है जिससे वो सिर्फ बीमार पड़ जाए लेकिन मरे नहीं। और यह है तुम्हारी किताबों की लिस्ट। विरेन, तुम्हें तो गलतफहमी हुई है। गलतफहमियां तो सब दूर हो गई हैं अजय। कुलदीप, मनीष और देव के कान में भी तुम्हीं ने बात डाली थी कि तुम्हें स्पेंसर शैंपेन बहुत पसंद है, और इसीलिए एक के बाद एक सभी वही बोतल लेकर आने लग गए, स्पेंसर शैंपेन। और देव जिस बोतल को लेकर आया था, उसमें तुमने चुपके से इंजेक्शन के जरिए जहर पिला दिया। कौन सा जहर? वही जहर जो देव अपने बगीचे में इस्तेमाल करता था। अजय, अब कल मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करूंगा, और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा स्टेरॉइड्स के लिए पॉजिटिव ही होगा, और शायद तुम भी इस बात को मानते हो। हाँ, मैं मानता हूं मैंने ड्रग्स लिए, मैं मानता हूं कि मैंने कोच का खून किया, लेकिन वीरेन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं टीम से निकाला जा रहा था, स्टेरॉइड्स लेने से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। अगर इस बात का कोच को पता चल जाता, वो मुझे टीम से बाहर निकाल देता, मैं बर्बाद हो जाता वीरेन, और वो कोच मेरी जिंदगी तहस नहस करने वाला था, इसलिए उसका खून करना जरूरी था। वीरेन, तू ये केस को खत्म कर दे वीरेन, मेरे लिए, प्लीज वीरेन, प्लीज। इतना सब बुझाने के बाद तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? प्लीज वीरेन, मुझ पर रहम कर वीरेन। मैं जानता हूं तुम एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन सिर्फ एक बार वीरेन, अपने सुनो समझा कर अपनी आंखों को मूंद ले वीरेन, मुझे छोड़ दे वीरेन, मुझे छोड़ दे वीरेन, प्लीज मुझे छोड़ दे वीरेन, प्लीज प्लीज, मैं जेल में सड़ जाऊंगा वीरेन, हेल्प मी प्लीज वीरेन, हेल्प मी वीरेन, प्लीज हेल्प मी। मैं बिक गया हूं, इसका मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं बिक चुका हूं,
मैं बिक चुका हूं अपने उसूलों के हाथों, मैं बिक चुका हूं इस देश के उसूलों पे। अब मेरी कोई कीमत नहीं है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं अपनी मां बाप की आंखों में कभी झांक के नहीं देख सकूंगा। मुझसे मुंह न मोड़ ले ये सोचकर कि उन्होंने एक कीड़े को जन्म दिया है। मुझे माफ कर दो जय, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.